हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियो पे जो हाउ टू क्रिएट डेड टाइटल एनिमेशन लाइक ध्रुव राठी, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया। वो आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि ध्रुव राठी के ऊपर और भी काफ़ी सारी वीडियोस लेके आएँ कि वो कैसे अपना जो है वीडियोज़ में एनिमेशन करते हैं। तो आज उनकी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है जिसमें ग्रिड बनी हुई होती है, वो काफ़ी अच्छा एनिमेशन हर वीडियोज़ में मैक्सिमम आपको देखने मिल जाता है। तो वो एनिमेशन हम क्रिएट करके देखेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे हम कि कैसे वो उस बैकग्राउंड को हम क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़ कि न्यूज़ आर्टिकल में कैसे येलो लाइन जो है मार्क करते हैं वो, तो उसको हम कैसे एनिमेट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि जो वाइट बैकग्राउंड वाला जो ग्रिड वाला एनिमेशन है वो किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताया है। तो आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं हर बार ही बताता हूँ वैसे आपको, तो यहाँ पे मैंने फुल एचडी रिजोल्यूशन रखा हुआ है, 30 FPS फ्रेम रेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम जो है कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तो आपको ग्रिड वाला जो बॉक्स है वो बना के रखना है, तो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर किसी में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन तीनों फाइल को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सिंपली क्या है, एक लाइन जो है ड्रॉ की हुई है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, फोटोशॉप पे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी में भी कर सकते हैं। ये मैंने इलस्ट्रेटर में क्रिएट किया था, इजी होता है क्योंकि उसमें डुप्लीकेट लाइन जो है सेम पोजिशन पर ईजी होता है क्रिएट करना, कंट्रोल डी से डायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इलस्ट्रेटर में किया हुआ था। तो हमको चाहिए है एक वाइट बैकग्राउंड टेक्स्चर, तो जो कि ये है। तो ये जो टेक्सचर है सिंपली एक रफ मतलब पेपर का टेक्सचर है, तो आप किसी भी पेपर का टेक्सचर जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने जो है ये जो लाइन बनाई हुई है खुद से इलस्ट्रेटर में, ये है। तो ये दो चीज़ हमको चाहिए है। और इसके अलावा हमने एक 16mm का एक ओल्ड फिल्म का एक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एक इफेक्ट है, तो ये ले रखा है। तो ये आपको सिंपली यूट्यूब में देखने मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो बॉक्स वाला है, जितने ये ग्रिड है जो हमने ग्रिड बनाई हुई है, तो इस पर हमको एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं हम मोशन टाइल। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मोशन टाइल। तो ये देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट है मोशन टाइल का, ये आ चुका है। तो इसको हम इफेक्ट करेंगे, तो इसमें क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा है इफेक्ट अप्लाई हो चुका है मोशन टाइल। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो मोशन टाइल है, तो इस मोशन टाइल से हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे इसको। तो सिंपली हमको क्या करना है कि फर्स्ट फ्रेम पर हैं हम, और यहाँ पे जो मोशन टाइल है तो इसमें हम यहाँ पे टाइल सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम लास्ट फ्रेम पे आएंगे और इसमें थोड़ा सा हम एनिमेशन कर देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर साइड में यहाँ पे मूव हो रहा है, तो थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। और डिपेंड करता है कि आप कितने देर का यहाँ पे एनिमेशन करते हैं। जैसे कि मैंने 7 सेकेंड का फ्रेम मतलब लिया हुआ है, जो कंपोजिशन की जो साइज़ 7 सेकेंड की ली हुई है, तो उस हिसाब से मैं हल्का मूवमेंट करूँगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना क्योंकि फास्ट मूवमेंट में वो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो अभी देखिए सिंपली मूवमेंट इसका कैसा है, ये आपको इस टाइप से मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो अब ये होने के बाद में आपको जितनी भी स्पीड सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे को ये स्पीड ठीक लग रही है, तो इसलिए मैं इस स्पीड में यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हमें एक दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं पोस्टराइज टाइम। आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने मैक्सिमम पोस्टराइज टाइम यूज़ किया हुआ है। ध्रुव राठी की वीडियोस आपने जो पुरानी वाली देखी उसमें भी मैंने पोस्टराइज टाइम का यूज़ किया हुआ है, तो वो हम सेम इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखें पोस्टराइज टाइम, ये मैंने यहाँ पर इफेक्ट को यूज़ कर दिया। और यहाँ पर हम जाएंगे 8 सेकेंड मतलब 8 फ्रेम रेट पे हम दिखाएंगे इसको, जिसमें ये क्या है जर्की इफेक्ट थोड़ा सा देखने मिलेगा। तो ऐसा जैसे ओल्ड मूवीज़ में होता था ना, कैसे सेक, क्योंकि फ्रेम रेट कम होते थे वहाँ पे, इस कारण से वो जर्की इफेक्ट देखने मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, एकदम ओल्ड टाइम वाली फीलिंग आती है थोड़ा सा देखने में। तो ये यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि इसकी जो बॉक्स है, बॉक्स लेयर सेलेक्ट करेंगे और टी प्रेस करेंगे। टी प्रेस करने से क्या ओपेसिटी आ जाएगी, तो ये शॉर्टकट है इसका। तो टी प्रेस करेंगे यहाँ पर और इसकी जो ओपेसिटी है हम 50% कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अब जो इसके लुक फील है वो थोड़ा सा एक अलग लुक फील आ चुकी है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा 16mm वाला है फाइल, तो उसको हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, F4 प्रेस करना है। यदि आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे जैसे, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसका मोड चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं,
तो स्क्रीन में देखिए नहीं दिखाई दे रहा सही से, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई में अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इफेक्ट है प्रॉपर तरीके से दिखने लग रहा है। तो देखिए ग्रेन्स वगैरह सारे दिखाई दे रहे हैं, लाइंस वगैरह सारी दिखने लग गई हैं अब, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फील हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा एक प्यारा सा एनिमेशन जो बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड आपको उनकी मैक्सिमम वीडियोज़ में देखने मिल जाएगा। अब सिंपली करते क्या है वो, हम कोई सा भी फोटो यहाँ पे एक इम्पोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि तो ये हमने यहाँ पे अपना जो पुराना वाला थंबनेल था वो इम्पोर्ट कर लिया है, पुरानी वीडियोस का थंबनेल है। तो देखिए अब वो करते क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि कोई सा भी आप फोटो या फिर वीडियो लगा रहे हैं तो उस पर आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, थोड़ा सा साइज उसका कम करना है और इसमें आपको इफेक्ट डालना है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो डालेंगे आप तो ड्रॉप शैडो में यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देनी है आपको, समथिंग हम यहाँ पे 40 रख लेते हैं डिस्टेंस, और सॉफ्टनेस आपको बढ़ा देनी है थोड़ा, तो सॉफ्टनेस भी आपको ऑलमोस्ट जितनी आपने डिस्टेंस रखी हुई उतनी सॉफ्टनेस रखेंगे आप, और जो ओपेसिटी है ओपेसिटी को हम कर देते हैं 60%। अब देखिए अब हमारा जो यहाँ पे देखिए फील जो डेप्थ जो क्रिएट हो रही है सब्जेक्ट के पीछे तो वो काफ़ी अच्छी हो रही है, और बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम यही बैकग्राउंड वो यूज़ करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट वही सेम बैकग्राउंड आप यहाँ पे बना सकते हैं आपकी वीडियोस के लिए। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में ये, और बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इसका। ये जो बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं ये किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब में, तो इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं और आपकी वीडियोज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यूज़ करेंगे कि न्यूज़ आर्टिकल में वो कैसे एनिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक न्यूज़ आर्टिकल की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक न्यूज़ आर्टिकल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो हम कोई सा भी एक न्यूज़ आर्टिकल उठा लेते हैं, तो जैसे कि ये न्यूज़ आर्टिकल है तो यहाँ पे इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका हम केवल इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। तो चलिए अब हमको सिंपली क्या करना है कि हम इसका जो एनिमेशन है वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे, जो हमारा ये तीन चीज़ हमने जो क्रिएट करी स्क्रीनशॉट लिए हैं न्यूज़ आर्टिकल से। तो यहाँ पे हमने हेडलाइन ली है और उसका लोगो कि किसका न्यूज़ है, और यहाँ पे फ़ोटोज़ सब्जेक्ट क्या है, तो इन तीनों चीज़ को हम अब यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं। अब यहीं पे हम उसको क्रिएट करते हैं इसी बैकग्राउंड में, तो सिंपली हमको हेडलाइन ले लेनी है, इसको हम स्केल कर देते हैं, और हमारा किसकी न्यूज़ है ये, इसको भी हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, और हमारा फ़ोटो, फ़ोटो को अभी हम नहीं रखते हैं क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे। मेनली हमारा ये है कि हम ये हेडलाइन और इसको कैसे यहाँ पे हम एनिमेट करेंगे, तो उनके उसमें केस में ये यहाँ पे सेंटर में ऐसा रहता है, तो दोनों को सेंटर में रखने के लिए हम यहाँ पे अलाइन में जाएंगे और इसको सेंटर कर देंगे, तो ये देखिए सेंटर हो चुका है, तो उनके केस में ऐसा रहता है मैक्सिमम। अब इसमें हमको सिंपली क्या करनी है, यदि जो न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे तो इसमें हमको वो जो येलो मार्क लाइन जो रहती है मार्कर लाइन, तो उसका जो एनिमेशन करना है तो वो हम इसमें करेंगे। तो सिंपली क्या करना है हमको, हम एक शेप लेयर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक सपोज हमको यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम फिल को कर देंगे बंद, और यहाँ पे स्ट्रोक में जाएंगे हम और येलो कलर वो मैक्सिमम करते हैं, तो हम येलो कलर ले लेंगे, उसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देंगे, और इसके बाद में हमको यदि नीचे भी करनी है तो पहले कहीं पे भी क्लिक कर लें आप, फिर दोबारा यहाँ पे, फिर दोबारा आपको सेप लाइन पे क्लिक करनी है, पहले कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, फिर दोबारा सेप लाइन पे क्लिक करने के बाद में उस टेक्स्ट के ऊपर भी ऐसे लाइन बना दीजिए। तो अब आपका जो है ये तैयार हो चुका है, अब सिंपली इसमें आपको जाना है एड ट्रिम पाथ पे जाएंगे, अब ट्रिम पाथ में आने के बाद में आपको 15 सेकेंड पे 15 फ्रेम पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर इसको एक की लगा देंगे और फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे और इसको 100% लास्ट पे 100% होना चाहिए और फर्स्ट की फ्रेम पे 0। अब इसके बाद में सेम चीज़ आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आप कि पहले हम फर्स्ट वाले शेप को ऊपर कर देंगे क्योंकि पहला वाला लाइन हमारी पहले होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे करीबन ले आते हैं 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड का एनिमेशन चाहिए हमको मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली लाइन आ रही है और दूसरी वाली लाइन आ रही है, अब लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे हम
इसका जो मोड है वो चेंज करेंगे। तो ये देखें, अब हमने जो मोड है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा पीछे की जो लेयर है वो भी दिखाई दे रही है, और प्लस हमारा कलर ये दिखाई भी दे रहा है जो हमने हाईलाइट किया है। तो सिंपली देखिए ये कितना अच्छा इफेक्ट हमारा बहुत ही जल्दी क्रिएट हो गया है। मतलब इसमें देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हमारा जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। तो इस तरीके से आपको ये जो मार्कर इफेक्ट है वो भी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल ऐड करने के लिए इसको F9 कर दीजिए, थोड़ा सा इसमें काफ़ी अच्छा मोशन हो जाएगा, एकदम स्मूथ। और टाइम आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको 3 सेकेंड पे रखना है तो यहाँ पे आप 3 सेकेंड तक इसकी को ले जाइए। अब देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मूथ एनिमेशन होगा, एकदम बहुत ही अच्छा स्मूथ एनिमेशन होगा। और इसमें क्या कर सकते हैं आप कि डिटेल थोड़ा सा ऐड करने के लिए आपको इसमें क्या करनी है, सिंपली वही ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो अपने अप्लाई कर देनी है। डिस्टेंस हम कर देते हैं इसमें 15 और सॉफ्टनेस हम कर देंगे 15। सिंपली ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हमारा जो है इफ़ेक्ट बन करके तैयार है। सेम उन्हीं की वीडियोस की तरह आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने जो मार्कर इफेक्ट है ये भी बना के तैयार कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो आज हमने दो इफेक्ट बनाने सीखे हैं, एक तो बैकग्राउंड हमने बनाया, जो बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हैं कि कैसे ये जो बैकग्राउंड है ग्रिड एनिमेशन जो है ये ध्रुव राठी की वीडियोस में जो सेम मैक्सिमम वीडियोस में आपको ये देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में ये बैकग्राउंड देखने मिलता है आपको। तो ये बैकग्राउंड आप कैसे बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये मार्कर इफेक्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ आर्टिकल पर या फिर किसी भी टॉपिक पर, आपको अब डिपेंड करता है कि इसका यूज़ आप कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों इफेक्ट आई होप आपको दोनों ट्रिक्स हैं पसंद आई होंगी। तो यदि वीडियो पसंद आया है, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा आपके किसी फ्रेंड सर्कल के साथ में जो ये सब क्रिएट करने में जिनको इंटरेस्ट आता हो। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आपका जो प्यार है हम तक पहुँचाएँ। और इसी तरह आगे हम और भी काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं लेते आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और आपको यदि कुछ भी लगता है कि आप चाहते हैं कि किसी भी वीडियोस को आप देख रहे हैं आपको लगता है कि इस टाइप का एनिमेशन आपको क्रिएट करना है और आपसे नहीं आ रहा है, तो आप हमसे शेयर करिए, हम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको और कितने अच्छे तरीके से आप उसको जो है एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।